मैं चाहता हूँ बच्चे को किसने डंका है। मैं गया, तू पहले ये बता कि ब्रीफ किसका अपन है। सॉरी प्लीज आइए ना आइए। थैंक यू। क्या आप लोग कुछ पीना चाहेंगे? ओह नहीं नहीं थैंक यू, हमें कुछ नहीं चाहिए। ओह क्या मुझे पानी मिल सकता है? जी, इनमें से कौन सा लेंगे सर? अच्छा, तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जैसे फ्लेवर्ड सोडा? हाँ। ओह यही चाहिए था। तोमोरी गादो। डोइताशिमाश्ते। अरे वाह, अरे यार मैंने अपना सारा पैसा वो टोपी और चश्मे वाले को दे दिया, तू भर देगा? इस पानी की बोतल के कितने हुए? 1000 येन सर। थैंक यू वेरी मच। नहीं कोई बात नहीं, थैंक यू। इतना महंगा पानी, इससे अच्छा चुल्लू भर पानी में डूब जा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। सिरिश मास। तुमोरी गादो। चाहो तो हम बात भी कर सकते हैं। नहीं बिल्कुल मूड नहीं है। ऐसा क्या? ठीक है, मैं तो उतर जाऊंगा, पर लेमन थोड़ा इस वक्त बिजी है। इस बार तुम दोनों चाहिए ब्रीफकेस के साथ, वरना सब मारे जाएंगे। ये लोग सीधे मुंह बात ही नहीं समझते। वैसे वो ब्रीफकेस तुम्हारे पास नहीं है ना? नहीं यार, स्टेशन आने से पहले मैं लेमन तक तो नहीं पहुंच पाऊंगा। तुम्हारे पास उसका फोन है, उसकी गन भी है तुम्हारे पास? गन तो नहीं है मेरे पास। ठीक है फिर तो आज खेल खत्म। पता है तुम जितने दिखते हो ना उससे बड़े वाले कमीने हो, और तसल्ली इस बात की है कि तुम भी आज मरोगे। ये अच्छा बोला तुम। अच्छा एक बात बता, उन लोगों ने कभी लेमन को देखा है क्या? वाह तुम दोनों तो वाकई में जुड़वा लगते हो। हाँ जो भी हो, ब्रीफ केस मिल गया है, अब क्या करना है? तुम दोनों को अभी भी क्योटो स्टेशन उतरना है। ठीक है, काम हो गया, चलो चलते हैं। रुको, तुमने इसे खोल कर देखा? नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे तो इसका कोड भी नहीं पता, मैं खोलूंगा कैसे? खोलने का सवाल ही नहीं। क्योंकि लालच बुरी बला होती है। तुमने
तुमने साबित कर दिया तुम बाकियों से ज्यादा चालाक हो, तुम जीत गई। प्लीज प्लीज लड़की, अपने आदमी को फोन करो, तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूं, बस मेरे बेटे को छोड़ दो। तुम्हारा बेटा, जानते हो तुम्हारे बेटे को मेरे पीछे पीछे छत पर ले जाना कितना आसान था? मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये जानने में 3 घंटे लगेंगे कि तुम्हारा बेटा गायब है। तुम एक बहुत ही घटिया बाप हो और तुम्हारा बेटा अब तुम्हारे गुनाहों की सजा भुगतने वाला है। तुम जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानती, वो बेरहम होती है। तुम बस एक बिगड़ी हुई लड़की हो जो बस अपनी इज्जत के लिए अपने माँ बाप तक की जान ले सकती है। माफ करना, अब उनको तुम दोनों के मामले में नहीं पड़ना है। मुझे बस इतना जानना है कि क्या तुम दोनों ने किसी सड़ी हुई शक्ल वाले आदमी को देखा है जिसने काले फ्रेम का चश्मा पहना है? नहीं। या फिर कोई सिल्वर केस जिसके हैंडल पर ट्रेन का स्टिकर लगा हो? मुझे तो ऐसा कुछ याद। अंकल किमुरा, क्या आपने कोई सिल्वर ब्रीफ केस देखा जिस पर ट्रेन, क्या आपने कहा ट्रेन का स्टिकर था हैंडल पर? हाँ, ये तो ट्रेन का स्टिकर हैंडल पर लगा था। नहीं, मैंने ऐसा ब्रीफ केस नहीं देखा, नहीं तो मुझे याद रहता। अंकल किमुरा, क्या आप ठीक है? आप